नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ई जैनित के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भूगोल के अंतर्गत सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंतर्गत जो एक आने वाला एक टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान की झीलें, लैक्स ऑफ राजस्थान, है ना। राजस्थान की झीलों के संदर्भ में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने टॉपिक किया था भारत के अपवाह तंत्र को लेकर, जहां हमने तीन प्रकार के अपवाह तंत्र की बात की थी। राजस्थान को तीन अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभक्त किया गया था, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियों को लेकर, इसके बाद हमने डिस्कस किया था बंगाल की खाड़ी को लेकर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो तीन प्रकार की नदियों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही बात करें राजस्थान की झीलों को लेकर। तो राजस्थान में प्रकृति के आधार पर हम बात करें तो दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक तो खारे पानी की झीलें, एक मीठे पानी की झीलें। जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो अक्सर पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, जो अक्सर तेठी सागर का भाग के रूप में मानी जाती है। और जो मीठे पानी की जो प्राकृतिक झीलें वो कृत्रिम झीलें पाए, यहाँ पर प्राकृतिक आधार पर भी यहाँ पर दो प्रकार की झीलें, प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें। तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, है ना, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जो नेक्स्ट जो आने वाली क्लासें हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आप हमारे ई जैनित के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक उसको शेयर कीजिए, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो आज हम जो बात करने वाले हैं और जो टॉपिक को लेकर वो है राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों के संदर्भ में हम बात करेंगे सबसे पहले खारे पानी की झीलों को लेकर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीठे पानी की झीलों को लेकर। तो यहां पर हम बात करने हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलों को लेकर। राजस्थान की जो झीलें हैं, राजस्थान की झीलें, इनको प्रकृति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो खारे पानी की झीलें, दूसरी है मीठे पानी की झीलें। तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है खारे पानी की झीलें, खारी पानी की झीलें, एक तो खारे पानी की झीलें हैं और दूसरी कौन सी है, मीठे पानी की झीलें। सेकंड नंबर पे कौन सी है, मीठे पानी की झीलें। तो दो प्रकार की झील पाई जाती है, एक तो पाई जाती है खारे पानी की झीलें या लवणीय झीलें भी इनको बोलते हैं, और दूसरे प्रकार की जो झील है वो पाई जाती है मीठे पानी की झीलें। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके अलावा हम भौगोलिक आधार पर हम बात करें तो भौगोलिक आधार पर भी दो प्रकार की झीलों झील पाई जाती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक नेचुरल, एक होती है कृत्रिम झीलें। कौन सी होती है, कृत्रिम झीलें पाई जाती है। इस आधार पर भी दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक और प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की है, खारे पानी की, मीठे पानी की। यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करने हैं खारे पानी की झीलों को लेकर। तो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो तेठी सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है खारे पानी की अधिकांश झीलें, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं नागौर जिले में पाई जाती है, और झीलों की जो नगरी कहलाती है राजस्थान में वो कहलाती है उदयपुर। द लेक सिटी ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। द लेक सिटी ऑफ राजस्थान, द लेक सिटी ऑफ राजस्थान की यदि हम बात करें तो वो कहलाता है उदयपुर। उदयपुर शहर को कह देते हैं द लेक सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान में झीलों की नगरी के रूप में ये विख्यात है। यहाँ पर एक दूसरी नहरों के द्वारा यहाँ पर झीलों को लिंक किया गया है। एक यहाँ पर किसके द्वारा लिंक किया गया है, नहरों के द्वारा एक दूसरे से लिंक किया गया है। यदि हम भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के संदर्भ में श्रीनगर को भारत में झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने वर्ल्ड के संदर्भ में बात की थी, फिनलैंड देश को झीलों का देश के रूप में जाना जाता है, जहां पर 1000 से अधिक झीलें पाई जाती है। 5 झीलों का जो देश है वो अमेरिका है, जहां पर कनाडा और अमेरिका के बीच में संयुक्त रूप से 4 झीलें पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, और 5 झीलों का देश कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वो तो वर्ल्ड के संदर्भ में है। हम यहाँ राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में वो नागौर जिले में पाई जाती है, खारे पानी की झीलें। सबसे ज्यादा यदि क्षेत्र विशेष की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मिलती है, और पश्चिमी राजस्थान में भी बात करें तो नागौर जिले में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ है, नागौर जिले में, और क्षेत्र विशेष के आधार पर कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में।
ठीक है। और राजस्थान में जिलों की नगरी किसको कहा जाता है, जिलों का शहर किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। अब एक एक यहाँ पर जिलों को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जिलों की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। तो खारी पानी की झीलों के अंतर्गत हम बात करें तो राजस्थान की जो सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है, इसमें सबसे ज्यादा लवणता की मात्रा पाई जाती है, वो है सांभर झील, जो तीन जिलों से संबंधित है, तीन जिलों के मध्य में स्थित है सांभर झील। विशेष रूप से यदि इसकी मैन लोकेशन की बात करें तो फुलेरा जंक्शन में स्थित है सांभर झील। फुलेरा जंक्शन कहां पर है, तो जयपुर। यदि सांभर झील की हम बात करें, एक तो ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में भी मुख्य रूप से फुलेरा जंक्शन मुख्य रूप से कहां पर स्थित है, फुलेरा जंक्शन में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें यहां पर नागौर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी नागौर के अंतर्गत भी इसका कुछ हिस्सा आता है, और एक भाग है इसमें अजमेर जिला। इन तीन जिलों के मध्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। मैन जो रूप है वो फुलेरा जंक्शन के आसपास, ये सांभर झील की लोकेशन हमें देखने को मिलती है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के आसपास ये झील फैली हुई है। लगभग इसका यदि क्षेत्रफल हम मान लें, तो क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये झील फैली हुई है। तो जयपुर में फुलेरा जंक्शन हो गया है ना, उत्तरी नागौर का उत्तरी भाग हो गया, अजमेर जिला हो गया, तीन जिलों के मध्य में इसकी अवस्थिति मानी जाती है सांभर झील की। यहीं पर देश का सबसे ज्यादा नमक तैयार किया जाता है। यदि देश के संदर्भ में बात करें तो देश में चिल्का झील है जो सबसे खारे पानी की सबसे लवणीय झील मानी जाती है, लेकिन और भारत की जो सेकेंड नंबर की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है वो सांभर झील मानी जाती है। सांभर झील की यदि हम बात करें तो सांभर झील में देश का 8.7% नमक तैयार होता है। इसी कारण यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में। किसकी स्थापना की गई, सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में। यहां पर जो नमक तैयार करने की जो विधियां हैं वो दो प्रकार से तैयार की जाती है, एक तो कौन सी है क्यार विधि है, एक उसमें ढेर लगाकर यानी क्यारी के माध्यम से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार की विधियां देखने को मिलती है। देश का 8.7% नमक यहाँ पर तैयार होता है। वैसे राजस्थान की बात करें तो पचबद्रा नामक जो झील है वहां पर सबसे ज्यादा नमक तैयार होता है, लेकिन खाने योग्य वहां का नमक नहीं होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इस कारण वो खाने योग्य नहीं होता, लवणीय मृदा अधिक पाई जाती है। या सांभर झील का जो नमक है वो खाने योग्य होता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इसके लोकेशन की हम बात करें तो एक तो जयपुर हो गया, उत्तरी नागौर हो गया, अजमेर हो गया, तीनों जिलों के मध्य अवस्थित है। मुख्य रूप से इसकी जो अवस्थिति है फुलेरा जंक्शन के पास स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्राकृतिक झील है, एक क्षेत्रफल इसका है 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास। अब हम बात करें तो सांभर झील में 5 नदियों का जल आकर गिरता है, जो इसकी लवणता की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या हो गई, खारे पानी की झील हो गई, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। 5 नदियों का जल इसमें आकर गिरता है, और इन 5 नदियों के जल के आने के गिरने से यहाँ पर इसकी लवणता की जो मात्रा है, प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कौन कौन सी नदियां इसमें आकर गिरती है, एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, उसके अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, लेकिन अधिकांश विद्वान इस जो झील को है प्राकृतिक झील के रूप में मानते हैं, तो ये विवादित है। कुछ विद्वान कहते हैं कृत्रिम है, यानी बिजोलिया शिलालेख तो क्या बोलता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। तो हम बात करें एक शिलालेख है कौन सा, बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है कि बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि इस सांभर झील का निर्माण
वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, यानी बिजोलिया जो झील है उसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, लेकिन कुछ विद्वान या अधिकांश विद्वान इसको प्राकृतिक झील के रूप में मानते हैं। अब हम बात करें इसमें जो पांच नदियां है वो कौन कौन सी आकर गिरती है, तो इस झील में मुख्य रूप से पांच नदियां आकर गिरती है, पांच नदियों का जल आकर गिरता है। कितनी नदियों का जल गिरता है, पांच नदियों का जल आकर इसमें गिरता है। अब वो पांच नदियां कौन कौन सी हैं जिसका जल इसमें आकर क्या होता है, गिरता है, इसकी सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर एक नदी आती है मेंथा नदी। कौन सी नदी आती है, मेंथा नदी आती है। मेंथा के बाद एक नदी आती है रूपनगढ़, और रूपनगढ़ के बाद एक नदी आती है खारी, खारी के बाद एक नदी आती है खंडेल, और एक नदी आती है तुरमती। इस प्रकार से पांच नदियां इसमें आकर गिरती है। अब कौन कौन सी नदियां है, एक तो इसमें तुरमती नदी, तुरतमती बोलते हैं, तुरतमती नदी हो गई, एक नदी हो गई इसमें खंडेल नदी हो गई, एक नदी हो गई इसमें खारी नदी, है ना, खारी नदी का जल, खंडेल नदी का जल, तुरतमती नदी का जल, और इसके अलावा बात करें मेंथा और जो रूपनगढ़ी नदी है, इन दोनों नदियों का जल इसमें भी आकर गिरता है। एक नदी कौन सी, यहां पर रूपनगढ़, रूपनगढ़, है ना, एक नदी है यहां पर मेंथा, या जिसको हम बोलते हैं मेंढा नदी, जिसने हम आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत यहाँ पर डिस्कस किया था, रूपनगढ़ और मेंथा नदी, खारी नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है, ये इस झील में आकर गिरती है और इसकी लवणता की जो मात्रा है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है ना, लवण लवण लेकर आती है और यहाँ पर लवण की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसी कारण केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर, इसी कारण केंद्र सरकार का यहाँ पर एक उपक्रम है, केंद्र सरकार के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। देश का सबसे बड़ा नमक बनाने का कारखाना है यहीं पर, सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से, सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, और सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से यहां पर केंद्र सरकार का नमक बनाने का सबसे बड़ा उपक्रम है जो सांबर झील में यहाँ स्थापित किया गया है, जयपुर में फुलेरा जंक्शन के नजदीक, यहाँ पर 1964 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो 1870 के आसपास यहाँ पर साल्ट म्यूजियम नामक यहाँ पर स्थापना की गई, साल्ट म्यूजियम की, साल्ट संग्रहालय की यहाँ पर स्थापना की गई थी वर्ष 1870 में, 1870 में यहाँ पर साल्ट म्यूजियम या साल्ट या नमक संग्रहालय, साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई, स्थापना की गई। तो यहां पर साल्ट संग्रहालय या नमक संग्रहालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1870 के लगभग। किसकी स्थापना की गई, साल्ट म्यूजियम या साल्ट संग्रहालय की स्थापना की गई थी, साल्ट या जो सांबर झील है इसके नजदीक। इसके अलावा हम बात करें इस झील के किनारे लग, इस झील के किनारे प्रतिवर्ष एक पक्षी आता है जिसका जो फेमस पक्षी है, और अभी लॉकडाउन के अंतर्गत हम बात करें, करंट की दृष्टि से हम बात करें तो यहाँ पर काफी इन पक्षियों की मौत हो गई थी, काफी चर्चा में रही थी ये झील। यहाँ पर राजहंस नामक पक्षी आता है जिसको फ्लेमिंगो गोज भी कहते हैं, यहाँ पर राजहंस, यहां पर राजहंस नामक पक्षी आता है, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगोज भी इनका वैज्ञानिक नाम है इस पक्षी का, तो राजहंस नामक पक्षी, नामक पक्षी यहां प्रतिवर्ष आते हैं, है ना, राजहंस नामक जो पक्षी है यहाँ पर प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुरंजा जो पक्षी है वो भी यहाँ पर देख, यहाँ पर विचरण करता है। कौन सा पक्षी, कुरंजा पक्षी, इसकी का बोलते हैं साइबेरियन सारस भी कहा जाता है कुरंजा पक्षी को, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन काल की जल विभाजक रेखा पर जो स्थित झील मानी जाती है, और यहाँ पर हम बात करें तो राज्य का जो निम्नतम बिंदु है, राजस्थान का जो सबसे नीचा स्थान है वो भी सांबर झील को ही माना जाता है, राजस्थान का
सबसे निम्नतम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान तो कौन सा है? आपने अरावली के तहत पढ़ा था गुरु शिखर, 1722 मीटर हाइट है इसकी। तो राजस्थान का सबसे नीचा जो स्थान है वो सांबर झील को ही माना जाता है, सांबर झील। और 1990 में यानी 1990 के तहत इस सील को रामसर साइट के अंतर्गत यानी आद्र भूमि या नम भूमि के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। वर्ष 1990 में इस झील को रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया, अंतर्गत शामिल किया गया है ना। रामसर साइट, रामसर क्या है? तो रामसर जो के शहर का नाम है ईरान में, वर्ष 1971 में यहाँ पर विभिन्न यानी बहुत सारे देशों के साथ यहाँ पर समझौता हुआ था, आद्र भूमि या नम भूमि को लेकर या वेटलैंड क्षेत्र को लेकर यहाँ पर समझौता हुआ, जिसमें भारत भी शामिल था। तो भारत की जो नम भूमि आद्र भूमि है उसको भी आद्र भूमि या वेटलैंड भूमि के रूप में यहाँ पर चिन्हित किए गए क्षेत्र कुछ। और वर्तमान की हम बात करें भारत के अंतर्गत, तो वर्तमान में भारत में जो कुल रामसर साइट है वो है 75। यदि भारत के अंतर्गत हम बात करें तो वर्तमान में जो आजादी का, भारत में आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया वहां पर टारगेट रखा था 75। तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75 है। इस 75 में से राजस्थान में है दो रामसर साइट है, एक तो हो गई सांबर झील, एक हो गया यहाँ पर केवला देव जो भरतपुर में है, केवला देव पक्षी अभ्यारण, ये भी रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो राजस्थान में दो रामसर साइट है, देश में 75 रामसर साइट है। रामसर नामक स्थान पर 1971 में क्या हुआ था, रामसर नामक जो स्थान है कहां पर है, ईरान में, यहाँ पर आद्र भूमि को लेकर यहाँ पर क्या हुआ था, सम्मेलन, मुगल नेताओं का सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर सबसे नीचा जो स्थान है सांबर झील है, सांबर झील को रामसर साइट के रूप में क्या किया गया, घोषित। और कब घोषित किया गया? वर्ष 1990 में घोषित किया गया। तो यहाँ पर जो नमक तैयार किया जाता है वो दो विधियों से किया जाता है, अभी मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर सांबर झील में, एक तो नमक तैयार किया जाता है रेहला विधि से, एक तो कौन सी विधि है, रेहला विधि या रेसला विधि भी बोलते हैं, एक है क्यार विधि, एक कौन सी विधि है, क्यार विधि। तो दो विधियों से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। और सांबर झील के किनारे कुछ पर्यटक स्थान भी है, जैसे देवयानी तीर्थ है जिसको तीर्थों की नानी भी कहा जाता है, एक यहाँ पर नालीसर मस्जिद है और एक यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। तो धार्मिक दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से भी ये झील इम्पोर्टेंट है। तो यदि हम बात करें या पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से हम बात करें या धार्मिक स्थल की यदि हम बात करें, तो एक तो यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर है, शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर है। यदि आप और अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी, अन्य जो टॉपिक्स हैं, अन्य जो पार्ट्स दे रखे हैं राजस्थान की, उसकी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को, ईजैनिक चैनल को शेयर कीजिए, इनको अधिक से अधिक क्या कीजिए, ऐसा भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सांबर झील के किनारे एक तो क्या है, शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर स्थित है, एक यहाँ पर नालीसर मस्जिद पाई जाती है, इसकी झील के किनारे एक मस्जिद स्थित है, नालीसर मस्जिद, कौन सी मस्जिद है, नालीसर मस्जिद स्थित है, एक यहाँ पर देवयानी तीर्थ है, देवयानी तीर्थ जिसे क्या बोलते हैं, तीर्थों की नानी कहा जाता है, देवयानी तीर्थ को क्या, स्थल को क्या बोलते हैं, तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी है ना। तीर्थों का जो मामा है वो मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है, मचकुंड धौलपुर को क्या बोलते हैं, तीर्थों का भांजा। तो देवयानी तीर्थों को तीर्थों की नानी कहा जाता है, नालीसर मस्जिद स्थित है, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये कौन सी झील हो गई, सांबर झील हो गई। वापस देख लेते हैं एक बार, सांबर झील की यदि हम बात करें तो सांबर झील के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया, खारे पानी की झीलों के संदर्भ में हम बात करें सबसे पहले, तो सांबर झील की हम बात करें तो तीन झीलों के मध्य स्थित है। वापस देख लीजिए, जयपुर में फुलेरा जंक्शन हो गया, उत्तरी नागौर का उत्तरी भाग हो गया, अजमेर जिला हो गया, इन तीन जिलों के मध्य इसकी अवस्थिति है। इसकी जो मेन अवस्थिति अधिकांश ये क्षेत्रफल में फैली है, तो कहां पर है, फुलेरा जंक्शन जयपुर में।
इसके अलावा बात करें इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग ये झील फैली हुई है 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के आसपास ये झील फैली हुई है। इसके अलावा सांभर झील में देश का 8.7% क्या होता है नमक तैयार किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है प्राकृतिक रूप से, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। 5 नदियों का जल इसमें आकर क्या होता है गिरता है, ताकि और इस 5 नदियों का जल जब इसमें आकर गिरता है तो इसकी लवणता की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और 5 नदियां कौन कौन सी है, तुरतमती नदी है, खंडेल नदी है, खारी नदी है, रूपनगढ़ नदी है, मेंथा या मेंढा नदी इसमें आकर क्या होती है गिरती है। और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा को देखते ही यहाँ पर सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की है, 1964 में स्थापना की है, और देश का सबसे बड़ा नमक बनाने का कारखाना भी यहीं पर है। इसके नेक्स्ट बात करें 1870 ईस्वी में साल्ट म्यूजियम की स्थापना, साल्ट संग्रहालय, नमक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो एक पक्षी आता है विशेष रूप से उसका नाम है राजहंस, फ्लेमिंगोज भी इसको कहा जाता है, जो लॉकडाउन में काफी चर्चा में रहा था। राजस्थान का सबसे नीचा स्थान माना जाता है सांभर झील, और सांभर झील को वर्ष 1990 में रामसर साइट के रूप में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसके नेक्स्ट यहाँ पर जो नमक तैयार करने की विधियां हैं वो दो विधियां, एक तो रेसला विधि है, एक क्यार विधि है। इसके अलावा टूरिज्म या धार्मिक दृष्टि से हम बात करें तो इस झील के किनारे जो विशेष रूप से यहाँ पर पर्यटक जो स्थान है उसकी हम बात करें तो एक तो यहाँ पर साकंबरी माता का मंदिर है जो सेकावटी है, और नालीसर मस्जिद है, और देवयानी तीर्थ है, इसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, है ना। इसके अलावा हम बात करें अब नेक्स्ट झील की हम बात करें तो वो झील है पंचभद्रा झील। कौन सी झील है, नेक्स्ट झीलों की यदि हम बात करें, नेक्स्ट है पंचभद्रा झील, नेक्स्ट एक झील है यहाँ पर पंचभद्रा या पंचभद्रा झील भी बोलते हैं। सांभर झील के बाद हम बात करें खारे पानी की झीलों के संदर्भ में तो एक झील पाई जाती है पंचभद्रा, जो बालोतरा बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ स्थित है, बालोतरा बाड़मेर, पंचभद्रा नामक झील है बालोतरा बाड़मेर में, जो अभी नवीनतम जिला बना है बालोतरा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब कौन से जिले में आएगी पंचभद्रा झील, बालोतरा जिले में, है ना। बालोतरा पहले कहाँ था, तो बाड़मेर, तो बाड़मेर से अलग होकर अभी नवीनतम जिला बना है बालोतरा, तो बालोतरा में स्थित है पंचभद्रा झील, है ना। 400 वर्ष पहले एक पंचा नामक भील था, उसने यहाँ की दलदल को सुखाकर और फिर इस झील का निर्माण करवाया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। एक भील था पंचा भील, पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, इसका जो दलदल है उसको सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था पंचा भील के द्वारा लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास। और बालोतरा बाड़मेर में इस झील, यह झील की स्थिति है। 90% यहाँ पर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। और खारवाल जाति पाई जाती है यहाँ पर, उस खारवाल जाति के द्वारा एक झाड़ी आती है मोरली झाड़ी, उस मोरली झाड़ी से यहाँ पर नमक तैयार करते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहां पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, इस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है तो नमक तैयार किया जाता है। और यहां पर खारवाल जाति पाई जाती है, यहाँ बालोतरा बाड़मेर में एक जाति है खारवाल नामक, इस खारवाल जाति के जो अर्थव्यवस्था है बस नमक पर ही डिपेंड होती है, तो खारवाल जाति के द्वारा, खारवाल जाति के द्वारा एक झाड़ी पाई जाती है यहाँ पर मोरली झाड़ी, है ना, मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं, मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं। तो जो पंचभद्रा जिला है कहां पर है, बालोतरा बाड़मेर में स्थित है, जो अभी नवीनतम जिला बना है, 400 वर्ष के पहले के आस है, लगभग 400 वर्ष पहले पंचा नामक भील के द्वारा इस झील को सुखा, इस झील में जो दलदल थी उसको सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाने के कारण यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है, और खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर मोरली झाड़ी से नमक क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। चले आगे, नोट कर लिया ना आपने, चले आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट झील आती है यहां पर डीडवाना झील, डीडवाना झील,
जो नागौर जिले में स्थित है डीडवाना में, डीडवाना झील है वो भी खारे पानी की झील है, ठेठी सागर के अवशेष के रूप में ये जानी जाती है। नागौर जिले में स्थित है और कहाँ पर है, तो नागौर में स्थित है, और सर्वाधिक फ्लोराइड यहाँ पर पाया जाता है, क्लोराइड न पाकर फ्लोराइड पाया जाता है, इस कारण यहाँ का जो नमक है खाने योग्य नहीं होता। एक तो ये झील स्थित कहाँ है, तो सबसे पहले हम बात करें नागौर जिले में है, नागौर जिले में अवस्थित है डीडवाना झील की अवस्थिति, और इसकी हम बात करें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस झील में सोडियम फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाने के कारण, अधिक पाया जाने के कारण नमक खाने योग्य नहीं होता, नमक खाने योग्य नहीं होता है। इस कारण जो नमक होता है उसे कागज तैयार कर लेते हैं, ये खाने के योग्य तो होता नहीं है, इस कारण इससे क्या बना लेते हैं, कागज तैयार कर लेते हैं। कहां पर, तो डीडवाना में, तो डीडवाना नामक स्थान पर ये झील बनी हुई है। कहां पर है, डीडवाना में, डीडवाना में स्थित है नागौर जिले में, सोडियम फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण नमक खाने योग्य नहीं होता है डीडवाना में। इस कारण इस झील में क्या तैयार कर लेते हैं, कागज का निर्माण कर लेते हैं, है ना, क्योंकि तो खाने योग्यता होता नहीं है, इस कारण किसका निर्माण करते हैं, कागज का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, कागज का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पर राजस्थान, अभी एग्जाम में भी आया था, एक एग्जाम में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ष की स्थापना का कौन सी झील में की गई है, तो वर्ष 1960 के आसपास राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ष की स्थापना की गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं की, केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस झील के अंतर्गत राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई, लिमिटेड की स्थापना की गई, कब की गई, तो वर्ष 1960 के आसपास यहाँ पर इस केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई, ध्यान देना। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर क्यारिया बनाकर नमक को तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं ब्राउन, क्या बोलते हैं, ब्राउन विधि। यहाँ पर क्यारिया बनाकर नमक तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, क्यारिया बनाकर फिर नमक तैयार किया जाता है, तो इस विधि को यहाँ पर कहा जाता है ब्राउन, कौन सी विधि कहा जाता है, ब्राउन विधि कहा जाता है, जो क्यारिया बनाकर और फिर नमक तैयार किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन की संज्ञा दी जाती है। कर लिया होगा नोट, कर लिया आपने, चले आगे। इसके नेक्स्ट नेक्स्ट जो झील आती है खारे पानी की, वो बहुत ही फेमस झील है, लूण करणसर झील, लूण करणसर झील, कौन सी झील है, लूण करणसर झील है, ध्यान देना इधर। लूण करणसर झील कहां स्थित है, तो बीकानेर जिले में, कौन से जिले में है, बीकानेर जिले में स्थित है। लूण करणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है राजस्थान में, राजस्थान में जो मूंगफली की मंडी है वो कहां पर है, बीकानेर में, कहां स्थित है, लूण करणसर में। और भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में मूंगफली की मंडी है राजकोट, राजकोट कहां है, तो राजकोट कहां है, गुजरात। तो भारत के संदर्भ में हम बात करें तो राजकोट में है, तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूण करणसर को। तो लूण करणसर झील कहां पर है, तो पहली बात बीकानेर जिले में, कहां स्थित है, बीकानेर में। लूण करणसर झील कहां है, बीकानेर में, खारे पानी की झील है। लूण करणसर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मूंगफली की यहां पर मंडी स्थित है, मूंगफली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यहां पर लूण करणसर में। और भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में कहां होता है, तो भारत के संदर्भ में होता है राजकोट, गुजरात में। तो लूण करणसर बीकानेर में है और उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की झील ये मानी जाती है, नॉर्थ इंडिया की, उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की झील मानी जाती है,
खारे पानी की झील मानी जाती है? उत्तरी भारत की, नॉर्थ इंडिया की एकमात्र खारे पानी की क्या मानी जाती है? झील मानी जाती है ना। और राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है लूणकरण सर, क्योंकि मूंगफली की मंडी के लिए क्या है, फेमस है। और लूणकरण सर झील कहाँ पर है? तो बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ का भी नमक खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसी झील के अंतर्गत सोडियम फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण यहाँ का नमक भी खाने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ का नमक भी खाने योग्य नहीं होता है, खाने योग्य नहीं होता, यहाँ का नमक भी क्या होता है, खाने योग्य नहीं पाया जाता, इस कारण यहाँ पर नमक तैयार नहीं किया जाता है। यहाँ भी कागज के रूप में यहाँ पर जो नमक तैयार होता है, जो खाने योग्य नहीं होता है, उससे कागज का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट एक झील आती है बाप झील, कौन सी झील है, चले आगे। नेक्स्ट झील है बाप झील, एक झील है जोधपुर जिले में खारे पानी की, इसका नाम है बाप झील, जो एक रंग के रूप में पाई जाती है। हमने बात की थी ना दो बालुका स्तूपों के मध्य, वहां पर हमने बात की थी अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत दो बालुका स्तूपों के मध्य जब पवनों के द्वारा अवतलाकार आकृति बनाई जाती है, इस प्रकार से अवतलाकार जो आकृति बनाई जाती है उसको रन या टाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रन या टाट कह दिया जाता है। और जब इसमें जब बारिश होती है, जब कभी बारिश होती है, तो इस बारिश का जल जब इस पवनाकार अवतलाकार आकृति में भर जाता है, तो यहां पर क्या बन जाती है, अस्थायी झील बन जाती है। क्या बन जाती है? अस्थायी झील बन जाती है। इस अस्थायी झील को बोलते हैं तल्ली। क्या बोलते हैं? तल्ली। जब ये खाली रहती है तब इसको बोला जाता है रन या टाट, तब इसको क्या बोलते हैं, रन या टाट। और वहां पर मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, कौन सा, बाप झील, कौन सी झील बताया था, बाप झील। बाप झील कहाँ पर है? जोधपुर में, ये इसका एग्जाम्पल है। अवतलाकार झील है जिसमें बारिश का पानी भर जाने के कारण अस्थायी प्रकार की झील बन जाती है, तो कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बाप झील। कौन सी झील? एक मैंने बताया था आपको थोब बाड़मेर, एक बताया था आपको पोकरण। तो जो बाप झील है वो कहां पर है, तो जोधपुर में, कहां पर है, जोधपुर में। बाप झील कहां पर है? जोधपुर में। खारे पानी की झीलों के अंतर्गत शामिल की जाती है। और राजस्थान का जो पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था वो इस बाप झील के अंतर्गत ही किया गया था। राजस्थान का पहला, राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र, राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र यहीं स्थापित किया गया, यहीं स्थापित किया गया। तो राजस्थान का जो पहला कोयला संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था? बाप झील के किनारे स्थापित किया गया था। फिर जोधपुर में एक झील और आती है फलोदी झील, वो भी खारे पानी की झील के अंतर्गत शामिल की जाती है। एक झील आती है यहाँ पर, कौन सी, फलोदी झील। फलोदी झील, फलोदी झील कहाँ पर है, तो जोधपुर में। क्लाइमेट के अंतर्गत हमने बात की थी, जोधपुर जो शहर है, फलोदी जो स्थान है वो राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान माना जाता है। और यहाँ पर हम बात करें फलोदी झील को लेकर, फलोदी झील खारे पानी की झीलों में से एक है। और कहाँ स्थित है, तो जोधपुर जिले में स्थित है। चले आगे नेक्स्ट। इसके नेक्स्ट हम बात करें तो एक झील आती है कावोद झील, कौन सी झील है, कावोद झील। कावोद झील भी कौन से प्रकार की झील है, खारे पानी की झील है, कौन से जिले में पाई जाती है, तो जैसलमेर जिले में स्थित है कावोद झील। कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। ये जो छोटी छोटी झीलें एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से केवल आपको इतना याद रखना है कौन से जिले में स्थित है और कौन सी प्रकृति इसकी खारे पानी की है अर्थात मीठे पानी की, इतना ही आपको याद रखना है। बाकी जो बड़ी झीलें हैं उसके संदर्भ में हम यहाँ पर मुख्य मुख्य जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ, मुख्य मुख्य जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके नेक्स्ट हम बात करें कावोद झील के बाद, तो यहाँ पर एक झील पाई जाती है कोछोर झील, कौन सी है, कोछोर। एक झील पाई जाती है कोछोर, एक झील है कछोर, एक है कोछोर, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। एक तो कौन सी है, कोछोर जो तो सीकर में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सीकर। और एक पाई जाती है कछोर, तो कछोर कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर। एक तो कौन सी है, कछोर, कछोर झील। कछोर झील की जो अवस्थिति है वो तो कहाँ है, जैसलमेर, ध्यान देना। और जो कोछोर झील है वो कोछोर झील पाई जाती है सेकावाटी में अर्थात सीकर जिले में,
कहाँ पाई जाती है? सीकर जिले में झील पाई जाती है, कौन सी? कोछोर झील। जबकि कछोर झील कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और दोनों ही खारे पानी की क्या है? झीले हैं। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, कछोर आ जाए तब आपको जैसलमेर करना है और कोछोर झील आ जाए तब आपको सीकर करना है, लेकिन दोनों की प्रकृति कैसी है? तो दोनों ही खारे पानी की क्या है? झीले है। इसके नेक्स्ट एक झील पाई जाती है रेवासा झील। कौन सी झील है? रेवासा झील है। और रेवासा जो झील है उसकी जो अवस्थिति है, एक झील है यहां पर, कौन सी? रेवासा, ध्यान देना, एक झील है यहां पर रेवासा झील, इसकी अवस्थिति कहां है? सीकर। और यहां भी खारे पानी की झील है, यहां से नमक तैयार किया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमक तैयार किया जाता है इस झील से। तो हमने अरावली पर्वतमाला में सीकर की पहाड़ियों को पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक पहाड़ी पढ़ी थी, हर्ष की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पढ़ी थी? हर्ष की पहाड़ी। वहां मैंने आपको बताया था इस हर्ष की पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? तो जीण माता का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? जीण माता का मंदिर बना हुआ है। इस हर्ष की पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, जीण माता का मंदिर, सीकर जिले में। और इस हर्ष की पहाड़ी के नीचे, इस हर्ष की पहाड़ी के नीचे एक झील अवस्थित है, और उस झील का नाम क्या है? तो रेवासा झील। इस हर्ष की पहाड़ी के जस्ट नीचे कौन सी झील स्थित है? रेवासा झील स्थित है। इस हर्ष की पहाड़ी पर किसका मंदिर बना हुआ है? जीण माता का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के जस्ट पीछे यदि हम बात करें तो वहां पवन चक्कियां लगी हुई है, पवन ऊर्जा निर्मित की जाती है। इसके जस्ट पीछे की हम बात करें तो उसके जस्ट पीछे पवन चक्कियां स्थापित की गई है ताकि पवन ऊर्जा स्थापित की, पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। तो यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ जीण माता का मंदिर बना हुआ है जिसके वर्ष में दो बार मेले लगते हैं, है ना, चौहानों की इष्ट देवी है यहाँ पर सीकर में, सेकावाटी में। और इस हर्ष की पहाड़ी के नीचे क्या स्थित है? रेवासा झील है, जो खारे पानी की झील है। और यहाँ से नमक भी क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। चले आगे। इसके अलावा सीकर में एक झील हो रहा है यहाँ पर पीथमपुरी, एक झील पाई जाती है पीथमपुरी, ऐसी को बोलते हैं प्रीतमपुरी। एक झील कौन सी है? प्रीतमपुरी या पीथमपुरी झील। यह भी कहां पर है? सीकर जिले में है। यह भी कहां पर है? सीकर जिले में स्थित है ना। चले आगे। इसके नेक्स्ट एक झील आती है यहां पर नागौर जिले में, नावा झील। खारे पानी की झीलों में एक झील आती है नावा झील। नावा झील की जो अवस्थिति है कहां पर है? नागौर जिले में। कहां पर है? नागौर जिले में है। और भारत सरकार का जो एक मॉडल है साल्ट फोर्स, कौन सा है? साल्ट फोरम, जो यहाँ पर डेवलप किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर साल्ट का एक फार्म स्थापित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर साल्ट का फार्म स्थापित किया गया था, साल्ट का फार्म डेवलप किया गया था नावा झील में। नावा झील कहाँ पर है? नागौर जिले में। खारे पानी की क्या है? झील है। अब कुछ अन्य झीलों की हम बात करें तो एक झील है यहाँ पर कुचामन झील। खारे पानी की झीलों में अन्य झीलों की बात करें तो एक झील आती है छोटी झील कुचामन झील। कुचामन सिटी कहां पर है? नागौर। तो नागौर में स्थित एक झील है कुचामन। एक झील आती है पोकरण झील, जैसलमेर जिले में स्थित है पोकरण झील। यह भी अवतलाकार झील है, इस टाइप प्रकार की झील मानी जाती है। एक झील पाई जाती है ताल छापर। ताल छापर जहां पर, ताल छापर अभ्यारण्य झील के किनारे, ताल छापर। और ताल छापर जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है? चूरू जिले में, जहां पर काले हिरणों की शरणा स्थली है, काले हिरण पाए जाते हैं इस ताल छापर झील के अंतर्गत। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मैंने अभी आपको बताया था नागौर जिले में, लेकिन सेकंड नंबर की हम बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है सीकर जिला। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कहाँ है? नागौर। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है? तो सेकंड नंबर पे कौन सा जिला आता है, कौन सा शहर आता है? तो सीकर जिला आता है। कौन सा आता है? सीकर जिला आता है। तो ये तो कौन सी हो गई खारे पानी की झीलों की हमने बात की, यहाँ पर डिस्कस किया जो टेटी सागर के अवशेष माने जाते हैं। इसमें हमने पढ़ा सांबर झील मुख्य रूप से, इसके अलावा पंचभद्रा झील है, लूणकरणसर झील है, नावा झील है, कुचामन है, पोकरण है, नावा झील है ना, रेवासा झील है, पीथमपुरी झील है ना, इसके अलावा लूणकरणसर झील है। इस प्रकार हमने खारे पानी की झीलों को यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम बात करें यहाँ पर मीठे पानी की झीलों को लेकर। नेक्स्ट है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें,
ये भी दो प्रकार से पाई जाती है, एक तो कृत्रिम और दूसरा है प्राकृतिक झील। अभी हम बात करें कि सबसे बड़ी राजस्थान की जो प्राकृतिक झील नेचुरल जो लेक्स पाई जाती है वो है पुष्कर झील। कौन सी है? पुष्कर झील है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील पाई जाती है प्राकृतिक रूप से वो पाई जाती है पुष्कर झील। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि पुष्करणा नामक ब्राह्मणों के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, जबकि अधिकांश विद्वान इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के द्वारा इसका निर्माण बताते हैं, मानते हैं। तो ये भी यहाँ पर ये विवादित है। कुछ यहाँ पर इसको झील को क्या बताते हैं? कृत्रिम, कुछ बताते हैं प्राकृतिक। लेकिन अधिकांश विद्वान इस झील का निर्माण ज्वालामुखी पर ज्वालामुखी के निर्माण से इसका निर्माण मानते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्कर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? प्राकृतिक झील मानी जाती है। कहाँ स्थित है पुष्कर झील? तो अजमेर जिले में, अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है ये झील। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है और इस झील का जो नाम है पुष्करणा ब्राह्मण के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा जाता है, पुष्करणा नामक ब्राह्मण के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर इस झील का नाम पड़ा। पुष्करणा नामक ब्राह्मण के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है, इस झील का नाम पड़ा है ना। तो पुष्करणा ब्राह्मण के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है, ध्यान देना। और ये जो झील है वो अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, जो सीकर की जिले की आकृति है इस प्रकार से ये झील फैली हुई है अर्धचंद्राकार रूप में। इसकी जो शेप है, आकृति है, वो कैसी है? अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार रूप में ये झील फैली हुई है, आधे चांद की आकृति के समान अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है, फैली हुई है। अर्धचंद्राकार रूप में इस झील का निर्माण माना जाता है, अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। कौन सी झील? पुष्कर झील। और यहीं पर राजस्थान का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है पुष्कर झील के किनारे, जो इसे रंगीन कलरफुल्स फेयर्स भी बोलते हैं, रंगीन मेला भी कहा जाता है, ध्यान देना। और पुष्कर झील की जो जल की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सरस्वती नाले के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें पुष्कर झील को, हम बात करें तो उसके पुष्कर झील को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर पुष्कर झील, तो पुष्कर झील को एक तो बोलते हैं हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल। क्या बोलते हैं? हिंदुओं का, हिंदुओं के चार धाम है, चार स्थल धार्मिक तीर्थ स्थल माने जाते हैं, इसमें पांचवा किसको मानते हैं? तो पुष्कर को। तो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थों का मामा कह दिया जाता है। अभी हमने बात की थी तीर्थों की नानी देवयानी कुंड है कहाँ पर? सांबर झील में। और तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं? तो मचकुंड, मचकुंड कहाँ है? धौलपुर। और तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पुष्कर झील को कहा जाता है। इसके अलावा इसको कोकण तीर्थ भी बोलते हैं, कोकण तीर्थ। क्या बोलते हैं? कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। इसी को तीर्थों का प्रयागराज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रयागराज का गुरु बोल दो, या प्रयागराज का क्या बोल दो? तीर्थ बोल दो। तो प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है, प्रयागराज का गुरु भी कह दिया जाता है। इस प्रकार से और भी नाम है इसको, इसी को तीर्थराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थराज भी कहा जाता है। तीर्थों का सबसे बड़ा है तीर्थराज, तीर्थों का राजा है तीर्थराज कह दिया जाता है, तीर्थों का मामा है कोंकण तीर्थ बोलते हैं, प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, हिंदुओं का पांचवा क्या बोलते हैं? तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। और भी अन्य नाम है इस झील के। और इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान की, नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें पुष्कर झील, पुष्कर झील
राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, ध्यान देना, राजस्थान की सबसे पवित्र झील, पवित्र झील मानी जाती है, पुष्कर झील को राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी कहते हैं और सबसे प्रदूषित करने वाली झील भी इसी को माना जाता है, सबसे प्राचीन झील भी इसी को मानते हैं और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी इसी को माना जाता है। और इसके अलावा हम बात करें सबसे पवित्र झील के अलावा हम बात करें तो सबसे प्राचीन झील है, सबसे प्राचीन झील है ना, सबसे प्रदूषित करने वाली, सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली झील है, प्रदूषित करने वाली झील है, सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी प्राकृतिक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, ये हमने पहले मेंशन कर लिया था, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। तो राजस्थान की सबसे प्योर झील है, सबसे प्योर शुद्ध झील मानी जाती है, सबसे प्रदूषित करने वाली झील भी मानी जाती है, सबसे प्राचीन झील है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी पुष्कर झील को ही माना जाता है। और खास बात क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है, इंटरनेशनल फेयर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जो सबसे बेस्ट पूर्णिमा मानी जाती है। तो कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है, सब ज्यादा विदेशी आते हैं इस मेले में, अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर इंटरनेशनल फेयर्स लगता है, अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है, जिसको रंगीन मेला भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रंगीन मेला भी कहा जाता है, कलरफुल फेयर कह देते हैं, क्यों कह देते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है पुष्कर झील के किनारे, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर झील है, कौन सी, पुष्कर झील, और यहाँ पर सर्वाधिक ऊँटों की क्या पाई होती है, बिक्री होती है, इस कारण सभी मिक्स की दृष्टि से यहाँ पर इसको रंगीन मेला की संज्ञा दी जाती है। तो इसको अंतरराष्ट्रीय जो मेला है यहाँ पर सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है, ध्यान देना, इस मेले के अंतर्गत सर्वाधिक, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ऊँटों की बिक्री होती है इसी मेले के अंतर्गत होती है, तो सर्वाधिक तो की बिक्री होती है कौन से मेले में, तो पुष्कर मेले के अंतर्गत सबसे ज्यादा ऊंटों की बिक्री होती है राजस्थान में, इसी को कलरफुल फेयर्स बोलते हैं, रंगीन मेले की संज्ञा दी जाती है, किस कारण दी जाती है, तो एक तो यहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ पर एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, वैसे इनकी जो शाखाएं हैं वो बालोतरा बाड़मेर में भी है, छिंच बांसवाड़ा में भी है, लेकिन एकमात्र मंदिर यही माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, यहीं पर इनकी पत्नी सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है, गायत्री जी का मंदिर बना हुआ है इसी झील के किनारे। तो एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया, एक दूसरी बात यहाँ पर पुष्कर झील हो गई, है ना, इस झील में दीपदान किया जाता है, क्या किया जाता है, दीप का दान किया जाता है, भगवान राम ने अपने जो पिता है दशरथ का पिंड दान यहीं पर किया था, कौन से झील में, पुष्कर झील में, है ना, इसी झील पर 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें गांधी घाट है ना, राम घाट है, ऐसे महापुरुषों के नाम पर घाटों के नाम किए गए, और एक महिला घाट भी है यहाँ पर, कौन सा घाट है, महिला घाट भी है। तो यहाँ हम बात करें यहाँ पर 52 घाटों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कुल 52 घाट स्थित है, यहाँ पर कुल 52 घाट स्थित है, इसमें सबसे प्रमुख जो घाट माना जाता है वो गांधी घाट है, गांधी घाट, इसके अलावा महिला घाट भी है, इंदिरा घाट के नाम से इसको जानते हैं, कुल मिलाकर इसमें 52 घाट है, और ये दीपदान की परंपरा यहाँ पर की जाती है, और इसके किनारे हम बात करें तो विश्वामित्र है, उसने यहाँ पर किसकी तपस्या की थी, कहाँ पर, पुष्कर झील के किनारे विश्वामित्र जो राम के जो गुरु माने जाते हैं उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, ध्यान देना। और इस झील के किनारे महाभारत की रचना हुई, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था उसकी रचना भी इसी के किनारे मानी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो इस झील में गोकुल, इस झील का किनारे जो मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का, उसका जो वर्तमान स्वरूप माना जाता है वो गोकुलदास पारिक नामक
ये जो मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का, इसका जो वर्तमान शेप है, वर्तमान जो स्वरूप है, वो गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, हमारा आज का जो टाइम है वो हो चुका है ना। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट सरती होगी, तो हम बात करें, यहाँ पर हमने झीलों को लेकर डिस्कस किया, जिसमें खारे पानी की झीलों को लेकर डिस्कस किया और मीठे पानी की झीलों को लेकर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम बात करें, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। वापस देख लीजिए एक बार पुनः। हम बात करें राजस्थान की झीलों को लेकर, जिसको हमने दो भागों में बांटा, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा खारे पानी की झीलें, इसमें सबसे पहले हमने बात की सांभर झील को लेकर। सांभर झील की जो अवस्थिति है, तीन झीलों के मध्य स्थित है, लेकिन की जो मेन अवस्थिति है वो कहाँ पर है, फुलेरा जंक्शन कहाँ पर है, जयपुर। 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है, टोटल एरिया है। सांभर झील में देश का 8.7% नमक तैयार होता है। यहाँ सबसे बड़ी खारे पानी की क्या पाई जाती है, झील पाई जाती है, झील स्थित है। इसके अलावा बात करें बिजोले शिलालेख के अनुसार, इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। 5 नदियों का जल इसमें आकर गिरता है, तो लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तुरमती नदी है, खंडेल है, खारी है, रूपनगढ़ है, मेहता नदियों का जल इस सांभर झील में आकर गिरता है। और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई 1964। 1870 में यहाँ पर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। और राजहंस नामक पक्षी यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रवास करते हुए आते हैं। राजस्थान का सबसे नीचा स्थान माना जाता है सांभर झील, तो सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, गुरु शिखर है। 1990 में इस झील को रामसर साइट के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया। तो राजस्थान में 2 रामसर साइट स्थित है और भारत के अंतर्गत वर्तमान में 75 रामसर साइट को क्या किया गया, घोषित किया गया है। यहाँ पर 2 प्रमुख विधियों से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है सांभर झील में, इसमें रेहला विधि है, क्यार विधि है। और यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, नालीसर मस्जिद बनी हुई है, देव यानी तीर्थ, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, वो स्थित है यहाँ पर। इसके नेक्स्ट एक झील है पंचभद्रा झील, बालोतरा बाड़मेर जिले में स्थित है। 100 वर्ष लगभग 400 वर्ष पहले यहाँ पर पंचा नामक जो भील है उसके द्वारा इस झील को सुखाकर, इस दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण यहाँ का नमक है जो खाने योग्य होता है। यहाँ थारवाल जाति के द्वारा मोरली नामक जो झाड़ी है वहां से नमक तैयार करते हैं। डीडवाना झील डीडवाना में है, नागौर जिले में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण खाने योग्य नमक नहीं होता है, इस कारण कागज तैयार करते हैं। यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ष लिमिटेड की स्थापना की गई राजस्थान सरकार के द्वारा, तब की गई वर्ष 1960 में। और क्यारिया बनाकर जो नमक तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ब्राउन कहा जाता है। इसके बाद लूणकरणसर झील कहाँ पर है, बीकानेर। लूणकरणसर जो शहर है, स्थान है, वो राजस्थान का राजकोट कहलाता है। मूंगफली की मंडी पाई जाती है राजस्थान की सबसे बड़ी, उत्तरी भारत की एकमात्र क्या है, झील है खारे पानी की, और यहाँ पर नमक खाने योग्य नहीं होता है। इसके नेक्स्ट बाप झील, बाप झील किसका किसका एग्जाम्पल है, अवतलाकार झील का एग्जाम्पल है, रनिया टाट के रूप में पाई जाती है, जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का पहला यहाँ पर कोयला संयंत्र स्थापित किया गया। और फलोदी झील कहाँ पर है, जोधपुर। नेक्स्ट देखिए कावो झील कहाँ पर है, जैसलमेर, खारे पानी की झील है। और कछोर नामक झील भी कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। कोसोर झील कहाँ है, सीकर जिले में। रेवासा झील कहाँ पर है, यहाँ पर सीकर में। नमक तैयार किया जाता है, खारे पानी की झील है। हर्ष की पहाड़ी पर जो मंदिर बना हुआ है, कौन सा, जीण माता का मंदिर, जस्ट नीचे एक झील स्थित है रेवासा झील, जो खारे पानी की झील है। और नेक्स्ट एक झील आती है प्रीतमपुरी या प्रीतमपुरी झील, ये भी कहाँ पर है, सीकर जिले में। इसके नेक्स्ट एक झील आती है नावा झील, जो कहाँ पर है, नागौर जिले में। भारत सरकार के द्वारा साल्ट फोरम स्थापित किया गया यहाँ पर। कुचामन झील कहाँ पर है, कुचामन सिटी नागौर में। पोखरण कहाँ है, पोखरण जैसलमेर में। और तालछापर कहाँ पर है, सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करें मीठे पानी की झीलों की, बाकी जो झीले बच गए वो कल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले झील पड़ी हमने पुष्कर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, अजमेर जिले में स्थित है। और पुष्करणा नामक ब्राह्मण के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसके बाद इसकी जो शेप है, जो आकृति है, अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, जिसकी आकृति सीकर जिले की भी है, लेकिन अब सीकर जिले में एक नीम का थाना नया जिला बन गया, अब इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार नहीं रही। पुष्कर झील की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार रूप में है। और पुष्कर झील की बात करें तो उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इसको बोलते हैं हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल, तीर्थों का मामा कहा जाता है, पोखरण तीर्थ कहा जाता है, प्रयागराज का गुरु कह दिया जाता है, और तीर्थों का राजा कह देते हैं, अर्थात तीर्थ राज कहा जाता है।
पुष्कर झील राजस्थान की सबसे क्या है, एक तो पवित्र झील मानी जाती है, इसके अलावा सबसे प्राचीन झील है, सबसे पॉल्यूशन करने वाली झील है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी मानी जाती है। और इसके अलावा अंतिम रूप से हम यहाँ पर बात करें, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है और इसी अंतर्राष्ट्रीय मेले में सबसे ज्यादा ऊँटों की बिक्री होती है राजस्थान में। और इसको बोलते हैं रंगीन मेला भी कहा जाता है। एक तो धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पुष्कर झील है और यहाँ पर ऊँटों की बिक्री होती है। और यहाँ कुल मिलाकर कितने घाट है, 52 घाट है, जिसमें गांधी घाट है और भी बहुत सारे घाट है, गो घाट है, महिला घाट है और भी बहुत सारे कितने घाटों के नाम है, तो 52 घाट स्थित है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर गांधी घाट, एक महिला घाट भी यहाँ पर है। और वर्तमान स्वरूप ब्रह्मा जी के मंदिर को दिया था गोकुल चंद पारिक के द्वारा और राम जी ने अपने पिता दशरथ का पिंड दान करवाया था। इसके अलावा विश्वामित्र ने यहाँ पर तपस्या की थी और गांधी जी की जो अस्थियां है वो भी यहाँ पर विसर्जित की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको लेकर हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अपने जो ईजनित जो चैनल है उसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।